Today we are going to discuss the mass spectrometer. What is mass spectrometer? Mass spectrometer kya hai? Kuch bhi nahi hai. Mass spectrometer ki definition kya hai? It is used to measure the exact masses as well as the relative abundance of isotopes of an element. तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर को हम एक तो एक मैसेज मालूम करने के लिए, आइसोटोप के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा रिलेटिव अबंडेंस मालूम करने के लिए. तो सबसे पहले था एक ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था. उसके बाद है डेम्स्टर, ये सॉलिड स्टेट में मौजूद आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करता था. इसके बाद मॉडर्न डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो था वो तीनों फॉर्म में, मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों फॉर्म में कर सकता था. तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक एलिमेंट को, उसके आइसोटोप को, तो हमें कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले आता है वेपोराइजेशन चैम्बर. यह होता है वेपोराइजेशन चैम्बर. इस चैम्बर में सबसे पहले सैंपल को ना वेपोराइज्ड किया जाता है, और यहाँ पर एक बहुत ही कम प्रेशर दिया जाता है, 10^-7 to 10^-12. इसके बाद आता है आयोनाइजेशन चैम्बर. आयोनाइजेशन चैम्बर में ये वही चैम्बर है जिसमें हमें पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, जो जाके बाद में हमें मास भी देंगे और रिलेटिव अबंडेंस भी देंगे. तो इसमें आयंस कैसे मिलते हैं? इसमें जो एक मेटल होती है या एलिमेंट होता है जिसको हम एनालाइज करना देते हैं, जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बम्बार्ड किए जाएंगे. जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ मतलब अटैक करेगा, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो जाएगा. इस इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ होने से पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. मोस्टली यहाँ पर जो आयंस बनेंगे उन पर प्लस वन चार्ज ही होगा, और इस ज़्यादा प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, मतलब वो बहुत ही कम होते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से, एलिमेंट से निकल गया तो उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो यहाँ पर हमें वो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है इस मेटल से वो मिलेगा हमें एलिमेंट से, और तीसरा ये वही इलेक्ट्रॉन है जिसने अटैक किया था. तो यहाँ पर हमें मेनली पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं, वहाँ पर स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है उन आयंस को, जो पॉजिटिव आयंस आगे आते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए. एक्सेलरेट हम क्यों करते हैं? ताकि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाए. ये फिज़िक्स में एक फार्मूला पढ़ा है, एक काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी ई, ये फार्मूला याद होगा वी ई, ये एक फार्मूला होता है. इसके बाद काइनेटिक एनर्जी वी ई, ये इसके इक्वल होता है एच एफ के. एच एफ में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखें तो एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम, यहाँ से लैम्डा मिनिमम और वी का एक रिलेशन होता है, तो वो फिज़िक्स का टॉपिक है. तो ये फार्मूला, इस फार्मूला के मुताबिक जितना वोल्टेज होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. अब यहाँ पर हम जो वोल्टेज देते हैं वो 500 से 2000 वोल्ट का होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज देते हैं जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे वो एक्सेलरेट होते हैं. तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर पर्पस ये है. इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हैं. मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? ये डिफ्लेक्ट करता है चीज़, आयंस को, न्यूट्रल चीज़ को नहीं करता, ये आयंस को ही डिफ्लेक्ट करेगा. अब मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड हियर एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस अकर ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड चार्ज. और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होती है वो मास टू चार्ज रेशो के पर डिपेंड करती है. जितना किसी आयन का चार्ज होगा उतनी डिफ्लेक्शन होगी, और जितना मास होगा उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी. तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमीटर और डिटेक्टर. अब जो पॉजिटिव आयंस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के आगे आएंगे, वहाँ पर आगे आएगा इलेक्ट्रोमीटर या आयन कलेक्टर. इसे आयन कलेक्टर भी कहते हैं, डिटेक्टर भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं. ये उन पॉजिटिव आयंस को रिसीव करेगा, और इन पॉजिटिव आयंस के मुताबिक ही इलेक्ट्रिक करंट डिवेलप करेगा. ये इलेक्ट्रिक करंट हमें बताएगा कि कितना, मतलब पॉजिटिव चांस, पॉजिटिव आयंस डिटेक्टर पर पहुँचे हैं या आयन कलेक्टर पर पहुँचे हैं. इसी फेज़ में ही हम ये जो दो एग्जैक्ट मास मालूम करना था, रिलेटिव अबंडेंस मालूम करना थी, ये हमें यहाँ पर मिलते हैं. अब ये जो मेजर स्ट्रेंथ ऑफ करंट गिव्स रिलेटिव अबंडेंस, मतलब जो आयन कलेक्टर जितने आयंस इसको मिलेंगे ये रिसीव करेगा, उसके मुताबिक ही करंट डिवेलप करेगा, और जितना ये करंट होगा ये करंट हमें देगा रिलेटिव अबंडेंस उस स्पेसिफिक एलिमेंट के आइसोटोप की. इसके बाद आता है हम इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ. अब जब हम कार्बन 12 आइसोटोप के साथ उसको कंपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं,
तो हमें दूसरा हमारा जो पर्पस है जिसके लिए हमने मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया, मैस नंबर, तो यहाँ पर हमें मैस नंबर डिटरमिंड हो जाएगा, हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे और रिलेटिव अबंडेंस भी हमें इसी टाइम मिलेगी करंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है रिकॉर्डर। इससे पहले एक एम्पलीफायर आता है, वो एम्पलीफाई करता है उन आइंस को। इसके आइंस, ये जो रिकॉर्डर है, यहाँ पर आइंस डिटेक्ट होते हैं और रिकॉर्डर इन द फॉर्म ऑफ मैस स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो मैस स्पेक्ट्रोग्राम होता है वो यहाँ पर एक चार्ट बनाता है उन आइंस का जो भी डिटेक्ट होते हैं, और उनका एक रिलेटिव अबंडेंस उनके मतलब एक ग्राफ बनाता है, शो करता है कि किसकी कितनी रिलेटिव अबंडेंस है और उनके मैस के हवाले से। तो यहाँ पर सिंपल एक डायग्राम है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर वेपोराइज सैंपल हमने ऐड किया, यहाँ इस पॉइंट पर आके उनकी आयोनाइजेशन हुई है, हीटेड फिलामेंट होता है, एक्सेलरेशन, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये तीन स्लिट्स हैं, यहाँ से वो आइंस गुजरते हैं, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है 500 से 2000 वोल्ट। यहाँ से ये जो फिर आइंस जनरेट होते हैं ये आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट इनको डिफ्लेक्ट करता है इनकी मैस टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग। ये जैसे है, ये एक ब्लू लाइन हमारे पास है, ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है, और ये सी है, जैसे हम इसको सी ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और ये जो है हमारे पास ए। तो यहाँ पर जो है बाकी जो आइंस हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, तो यहाँ पर जो ये बीम है ये हमें जाके एक रिकॉर्डर पर मिलती है, ये ग्रीन लाइन रिकॉर्डर पर मिलती है, ये जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये वॉल के साथ अटैक करेगा, तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल जो है वो आगे नहीं पहुँचते रिकॉर्डर तक, सिर्फ पॉजिटिव आइंस ही जो कम स्पीड के साथ आएंगे, कम डिफ्लेक्ट होंगे, वही पहुँचेंगे इधर एम्पलीफायर पर और उसके आगे चार्ट रिकॉर्डर पर, वहाँ से फिर इनका मैस स्पेक्ट्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हम एक वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं। वैक्यूम पंप क्या होता है, ये एयर को रिमूव करता है ताकि वो जो आइंस हैं वो कोलाइड ना करें उससे, एयर पार्टिकल से, एयर पार्टिकल। तो वैक्यूम पंप के बाद एम्पलीफायर आता है, एम्पलीफायर के बाद चार्ट रिकॉर्डर आता है जो कि रिकॉर्ड करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे और उतना करंट प्रोड्यूस होगा, और जितना करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही रिलेटिव अबंडेंस होगी, मतलब इन सब के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अब आगे हम इनका मैथमेटिकल रिलेशनशिप देखते हैं कि मैस ओवर चार्ज ये होता है h² r² / 2a। यहाँ पर देखें तो रेडियस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैस, ये मैस है एम, ये चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये उसका रेडियस है आयन का। यहाँ पर देखें तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। इसके देखें तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है मैस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, जब एक ऊपर एक ऊपर वैल्यू हो एक नीचे वैल्यू हो तो इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है हमेशा। तो यहाँ पर रेडियस का अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनेगा, जब दो चीज़ें प्रोडक्ट में हों तो अगर एक चीज़ कांस्टेंट रखें नीचे वाली तो इन दो का जो होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, जैसे यहाँ पर रेडियस है ये मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्स है। इस तरह हम यहाँ से डिफ्लेक्शन के रिलेशन निकाल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है रेडियस के, मतलब डिफ्लेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रेडियस के, डिफ्लेक्शन और रेडियस इन्वर्स होता है, जितना रेडियस होगा उतनी कम डिफ्लेक्शन होगी। इसे डिफ्लेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतनी ही डिफ्लेक्शन कम होगी, और जितना मैस होगा, एक कम मैस वाला जो आयन होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और जो ज़्यादा मैस वाला होगा वो कम डिफ्लेक्ट करेगा। इसी तरह चार्ज, जितना चार्ज होगा, जितने मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उस आइसोटोप से या एलिमेंट से जो आइसोटोप बनेंगे, उतना ही डिफ्लेक्शन शो करेगा वो आयन। यहाँ पर एक MCQ है, विच वन विल शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यहाँ पर देखें ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो डिफ्लेक्ट करता ही मैग्नेटिक फील्ड में, ये फिजिक्स में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इन दो में से दोनों ये डिफ्लेक्ट करेंगे। अब हमने बताना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा,
तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे कम मास किसका है, सबसे कम मास है इसका बीटा, इसका 21 है नियॉन प्लस का, और इसका है 22, और जिसका मास कम हो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, चार्ज देखें तो चार्ज दोनों का सेम है, तो आंसर हुआ बीटा। अब आगे देखते हैं हम इनके मास स्पेक्ट्रोग्राम, ये जिरकोनियम के मास स्पेक्ट्रोग्राम है, ये हाइट ऑफ पीक है, यहाँ रिलेटिव एबंडेंस लेते हैं, और ये मास नंबर के अलांग होता है एक्स एक्सिस पर, वेल अलांग पर रिलेटिव एबंडेंस लेते हैं। अब यहाँ पर जो होता है नंबर ऑफ पीक्स, दे शो द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, यहाँ पर कितनी पीक्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब जिरकोनियम के 5 आइसोटोप्स हैं, जितनी पीक्स उतने आइसोटोप। अब जो जो हाइट है पीक की, ये जो हाइट है ये क्या शो करेगी, ये रिलेटिव अबंडेंस शो करेगी। हम यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं जी एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं, जितनी पीक हाइट होगी उतनी ही रिलेटिव अबंडेंस होगी। अब यहाँ जो पोजीशन ऑफ पीक ऑन एक्स एक्सिस, या जो एक्स एक्सिस पर पीक की पोजीशन होगी वो क्या शो करेगी, रिलेटिव आइसोटोपिक मास। और यहाँ पर जो जो 90, 91, 92 ये आइसोटोप्स का मास है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास है, तो ये जो एक्स एक्सिस पर पोजीशन है किसी भी पीक की वो शो करती है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ये एमसीक्यूज भी है। इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इलेक्ट्रोमीटर गिव्स, इलेक्ट्रोमीटर जैसे कि हम जानते हैं इन कलेक्टर है, ये आइंस को रिसीव करेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा, उस करंट के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा रिलेटिव अबंडेंस। तो इसका आंसर हुआ चार्ली। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज़ द एवरेज ऑफ द डिटरमिंड एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आइसोटोप ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। इसमें एवरेज लेते हैं हम आइसोटोप का, इंडिविजुअल आइसोटोप है उनका जो मास नंबर है उसको नेचुरल अबंडेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करके हम 100 पर डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर एक एमसीक्यू से कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ इट्स अबंडेंस इन नेचर इज 75.5% ऑफ क्लोरीन 35 आइसोटोप एंड 24.23% ऑफ क्लोरीन 37। तो हमने मालूम करना है एवरेज एटॉमिक मास। इसका फार्मूला क्या होता है कि ये जो मास होगा एक आइसोटोप का उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये रिलेटिव अबंडेंस है, और ये जो है मास इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रिलेटिव अबंडेंस के साथ। तो क्या आएगा, 35 की रिलेटिव अबंडेंस है 75.5 प्लस 37, इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 24.23, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.48 amu। तो नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.81 amu, इट हैज़ टू आइसोटोप्स B10 एंड B11, व्हाट इज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ B10। हमने लाइटर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस बतानी है जबकि हमें एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का 10.81 amu दिया गया है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे हमने पीछे फार्मूला किया है, तो यहाँ पर जो आइसोटोप का मास होगा उसको हम ये नेचुरल अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आइसोटोप का मास जैसे B11 का 11 है तो इसको नेचुरल अबंडेंस x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पर हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 10x, हमने मालूम करना है किसी B11 की भी नहीं मालूम, B10 की भी नेचुरल अबंडेंस नहीं मालूम, और हमने मालूम करनी है किसकी, B10 की। तो यहाँ पर हम x लेंगे और यहाँ पर प्लस 11 हम यहाँ x पर सपोज करते हैं, हमारे पास जो 10 की है वो 100 है, ये जो 10B10 आइसोटोप है इसकी है 100। तो जब इसकी 100 होगी तो हम ले सकते हैं कि ये जो है 11, तो इसकी कितनी होगी, 100 माइनस x, तो लेंगे 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x, और रिलेटिव एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है कितना, 10.81, ये पुट करेंगे, ये 100 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ये 10x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 100 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो वो हो जाएगा माइनस 11x। तो यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1100 माइनस 1081, तो ये हमारे पास x की रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी, और x क्या है हमारे पास, बोरॉन 10 आइसोटोप है, तो इसकी रिलेटिव अबंडेंस हमने मालूम कर ली, तो आंसर आएगा हमारे पास चार्ली। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का, ये मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इससे ये सिंपल है बहुत ही। ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ हायर आइसोटोप, यहाँ पर हायर आइसोटोप है B11,
तो इसके लिए हम हायर आइसोटोप के हवाले से इसको रिलेट करके देखेंगे। परसेंटेज ऑफ हायर आइसोटोप इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब ये जो हमें एटॉमिक मास दिया हुआ है ये कितना है 10.81, यहाँ पर फ्रैक्शन में कितना है 0.81, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है यहाँ पर ये देखें 0.81 जो हमें एटॉमिक मास दिया गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.81। हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, नीचे हम डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ टू आइसोटोप, ये बी 10 है और बी 11 है, इनका डिफरेंस कितना है, वन का ये 10 है ये 11 है, वन का डिफरेंस, तो नीचे हम उनका डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, तो हमारे पास ये हायर आइसोटोप है जो हैवियर आइसोटोप है उसकी अबंडेंस आ जाएगी 81%। तो हम बी 10 की निकाल सकते हैं जो बोरॉन 10 आइसोटोप है, ऑटोमेटिकली उसकी 9% होगी क्योंकि ओवरऑल 100 होती है, बी 11 की 81 है तो बी 10 की 19% ओवरऑल रिलेटिव अबंडेंस होगी।